Hello students, today we will learn about Lost Spring written by Anish Jung, and through summary I'll give you an overview of the chapter aur hum iski detailed summary ki help se pure chapter ko understand karenge. Sahib, a teenager in his rags, scrounges gold in the garbage heaps. Sahib ek chota sa bachcha hai 10-12 saal ka जो कूड़े के ढेर में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएबल ढूंढने की कोशिश कर रहा है. गोल्ड का मतलब यहाँ गोल्ड नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट जो उसके बदले में उन्हें दो वक्त की रोटी दे, वही उनके लिए गोल्ड है. द ऑथर मीट्स हिम एंड हिज गैंग ऑफन एंड स्ट्राइक्स ए कॉन्वर्सेशन विद हिम. ऑथर वहाँ से अक्सर गुजरती है और उसको और उसके जैसे बच्चों को जब देखती है कई बार तो फिर उनसे बात करने की कोशिश करती है. शी आस्क्स द किड्स वेदर दे गो टू स्कूल और नॉट. वो उनसे पूछती है कि तुम स्कूल नहीं जाते. दिस वॉज अ ग्लिब क्वेरी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर एंड साहिब इनोसेंटली मटर्स दैट देर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड. ये जो क्वेश्चन ऑथर ने पूछा था वो बिना सोचे समझे पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि उसको उनके पहनावे से साफ समझ में आ रहा था कि ये बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाते. इसलिए नहीं कि हमारी सरकार प्राइमरी एजुकेशन फ्री में नहीं देती, बल्कि इसलिए कि उनके दो हाथ उनके पेरेंट्स को हेल्प कर सकें दो वक्त की रोटी कमाने के लिए. साहिब भी बहुत इनोसेंटली इस बात का जवाब देता है कि उसके घर के पास कोई स्कूल ही नहीं है. द ऑथर मेक्स एन ऑफर ऑफ मेकिंग अ स्कूल but it was a promise not meant to be fulfilled like often done by politicians in their bleak world. agar hum unke world ko bleak world kehte hain to iska matlab unke world mein koi bhi happiness nahi hai. author use fir bina soche samjhe ek offer deti hai ki kabhi main school banau to tum aaoge, aur ye promise pura karne ke liye nahi kiya gaya tha. aur aise bahut sare promises हमारे देश के पॉलिटिशियंस करते हैं. जब भी वो वोट मांगने के लिए आते हैं दे प्रॉमिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता. ऑथर को समझ में आता है कि साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, एंड इट इज़ क्वाइट ऑरनिकल दैट दो हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बट इट इज़ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. समथिंग ऑरनिकल इज़ समथिंग वेरी ऑपोजिट टू वॉट इज सेट. नाम तो उस बच्चे का साहिब आलम है, लेकिन जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मगर उसके लिए यह डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो अपनी हालत को देखे तो उसे समझ में आएगा कि वो चिथड़े कपड़े और बिना चप्पल के वो पैर कैसे उसे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बना सकते हैं. ये जो बच्चे हैं स्ट्रीट्स पर ऐसे नजर आते हैं जैसे बर्ड्स आती हैं सुबह सुबह और उसके बाद नून टाइम तक वो गायब हो जाते हैं. द ऑथर इज ऑल्सो क्यूरियस टू नो वाई किड्स वर बेयर फुट. दे गेव ऑड रीजन्स फॉर दैट बट द ऑथर कंक्लूडेड दैट इट वॉज नॉट लैक ऑफ मनी बट दे हैव मेड अ ट्रेडिशन टू से बेयर फुट एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज टू शो दैट दे ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ऑथर इस बात को जानने के लिए भी बहुत उत्सुक है कि इन बच्चों के पैरों में कुछ भी पहनने के लिए क्यों नहीं है. कोई कहता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से लेकर नहीं आई, कोई कुछ रीजंस देता है, लेकिन ऑथर क्योंकि पूरी कंट्री में ट्रैवल कर चुकी हैं तो उन्हें ये बात समझ में आई कि इसके दो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं. एक तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रेडिशन एक कस्टम बना लिया है कि वो पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे, शायद लोगों के मन में सिंपथी क्रिएट करने के लिए, और दूसरा ये एक्सक्यूज़ देने के लिए कि वो पूरे साल ऐसे ही पॉवर्टी की स्टेट में रहते हैं, उनके हालात में कोई चेंजेस नहीं आते. द ऑथर रेमिनिसेस अ स्टोरी टोल्ड बाय अ मैन फ्रॉम उडीपी. उडीपी से एक आदमी ने उसको एक स्टोरी बताई थी. वो पर्सन जब एक छोटा सा बच्चा था और उसके फादर उस एरिया के एक प्रीस्ट थे एक टेंपल में, देन ही वुड स्टॉप
for a short while at the temple and pray for a pair of shoes. उसके फादर बहुत गरीब थे, वो टेम्पल पर रुकता और प्रे करता ऑलमाइटी से कि उसको एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए. 30 years later, when the author visited the same place, she found a new priest over there, and in the backyard, there were red and white plastic chairs. 30 years के बाद जब ऑथर ने उस प्लेस को खुद विजिट किया, हालांकि वो जगह और जगह से बहुत पिछड़ गई थी, लेकिन अब उस टेम्पल में नए प्रीस्ट थे और उनके पीछे के आंगन में रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी और भागता हुआ एक बच्चा आया एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म वियरिंग शूज. उस बच्चे ने शूज पहने हुए थे, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. लुकिंग एट द बॉय, इट सीम्ड दैट द ऑलमाइटी हैड ग्रांटेड दैट चाइल्ड्स प्रेयर. उस बच्चे को देख के लग रहा था कि जो 30 years पहले उस बच्चे ने जो प्रेयर मांगी थी वो ऑलमाइटी ने ग्रांट कर दी, दे दी. छोटे बच्चे जैसे वो सन है प्रीस्ट का, दे नाउ वियर शूज, बट द रैग पिकर्स लाइक साहिब आलम आर स्टिल शूलेस. 30 years पहले के उस टेम्पल के प्रीस्ट के बच्चों के पास शूज़ नहीं थे, अब जो नए प्रीस्ट हैं उसके बच्चों के पास शूज़ भी हैं, रेड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी हैं उनके पास बैठने के लिए. लेकिन जो ये बच्चे हैं साहिब आलम जैसे, इनके पास आज भी पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है. द ऑथर्स फैमिलियरिटी विद साहिब एंड हिज गैंग टेक्स अस टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, simile and metaphor. It is a metaphorical statement. ये एक indirect comparison है कि ये जो जगह है सीमापुरी है तो ये दिल्ली के border पे, लेकिन दिल्ली की development से कोसों दूर है. The inhabitants of this place came way back in 1971 from Bangladesh. जो लोग यहाँ पर रहते हैं, inhabitants कहते हैं उस area के रहने वाले लोगों को, वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्ड प्लेस, स्टिल इट इज. वो तब भी एक जंगलात था, आज भी एक जंगल ही है. दो इट इज नॉट एम्प्टी नाउ, वन कैन फाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद टिन रूफिंग एंड तारपोलिन, नो सीवेज, नो ड्रेनेज और रनिंग वाटर. अब वो जगह खाली तो नहीं है, हम वहाँ पर छोटे छोटे मड के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. जो छतें हैं वो प्लास्टिक शीट से कवर की हुई हैं या टिन की हैं. ना तो वहाँ पर सीवेज है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, और कोई रनिंग वाटर भी नहीं है. मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर विदाउट एन आइडेंटिटी, बट यस, दे हैव देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट, ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिशियंस ग्रैबिंग लॉट ऑफ वोट्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी. 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं वहाँ पे बिना किसी आइडेंटिटी के. कभी भी वो जगह उनसे खाली करवाई जा सकती है, लेकिन वोटर्स लिस्ट में नाम उनका ज़रूर है. पॉलिटिशियंस को बहुत बड़ा बैंक वोट मिलता है इस कम्युनिटी से. द फीमेल्स व्हेन इंटरैक्टेड बाय द ऑथर से दैट दे कैन एटलीस्ट फीड देयर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक. जो वहाँ की लेडीज थी, जब ऑथर ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो उनके बच्चों के पेट में दर्द हमेशा होता रहेगा और वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं दे पाएंगे. द ब्यूटिफुल लैंड ऑफ बांग्लादेश, वहाँ की ग्रीन फील्ड्स दैट कुड नॉट गिव देम फूड, बट दिस गार्बेज helps them find food. बांग्लादेश के उन हरे भरे खेतों ने उन्हें कभी खाना नहीं दिया. हमेशा वहाँ फ्लड्स रहते थे, सारे के सारे खेत बह जाते थे. वो हरे भरे खेत उनको दो वक्त की रोटी ना दे पाए, लेकिन ये कूड़े के ढेर उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा दे जाते हैं जिससे उनका सर्वाइवल हो जाता है. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी ओनली मीन्स रैग पिकिंग. गार्बेज टू देम इज गोल्ड.
सीमावोरी में सर्वाइवल, वहाँ पे जीना सिर्फ एक काम के थ्रू हो सकता है, सिर्फ कूड़ा चुनने के थ्रू। और गार्बेज उनके लिए गार्बेज नहीं है, उसकी वैल्यू गोल्ड जैसी है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग वन। हम ये भी कह सकते हैं कि ये गार्बेज उनको दो वक्त की रोटी देता है, उनके सिर पे जो छत है वो भी उससे मिलती है। वो छत चाहे लीकिंग ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी छत तो है। गार्बेज मीन्स डिफरेंटली टू एडल्ट्स एंड किड्स। गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चों के लिए तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ वंडर। क्यों? क्योंकि जब भी उन्हें खोजते हुए एक रुपए का सिक्का या कोई नोट मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। बट पेरेंट्स के लिए इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऑथर साहिब को टेनिस गेम खेलते हुए भी देखती है जिसमें वो बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है। गेटकीपर उसे कभी कभी अंदर झूला झूलने के लिए भी जाने देता है। बट शी नोज दैट दिस गेम इज़ आउट ऑफ हिज रीच इन हिज रियल वर्ल्ड। अपनी असल जिंदगी में वो कभी इस गेम को नहीं खेल पाएगा। कई दिनों बाद साहिब को वो देखती है कि उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। साहिब नाउ हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय अ टी शॉप ओनर हु पेज हिम 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। साहिब को अब एक टी शॉप ओनर ने अपने पास एम्प्लॉय कर लिया है जो उसको 800 रुपये और सारे दिन का खाना देता है। एवरी मॉर्निंग साहिब कैरीज दैट स्टील कैनिस्टर विच सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी ओवर हिज शोल्डर। वो प्लास्टिक बैग जो रैग पिकिंग के लिए यूज करता था उसके कंपैरिजन में ये स्टील कैनिस्टर काफ़ी हैवी है। मोर ओवर द इनोसेंस एंड द फ्रिस्की जेस्चर ही हैड ऑन हिज फेस हैज़ वैनिश्ड। ऑथर ये भी नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर जो एक मासूमियत थी, जो एक केयरफ्री भाव था, जेस्चर मीन्स भाव, वो अब नहीं रहा। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था लेकिन वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है।